नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेल जिस तरीके से आपको पता है कि ये दिस इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग बिजनेसिस वन ऑफ द इमर्जिंग चैनल्स इस तरीके से आपके नॉलेज भी होना चाहिए कि ई कामर्स इस टाइम के ऊपर इन जनरल कितने बिजनेस के साथ दुनिया के अंदर ड्राइव कर रहा है और किस ग्रोथ परस्पेक्टिव में ग्रो कर रहा है सो इफ़ यू कैन सी टू पॉइंट थ्री ट्रिलियन डॉलर्स का आज के दिन में टोटल रेवेन्यू है जो कि ई कामर्स के, के थ्रू जनरेट हो रहा है

अगर आप देखते हैं तो टोटल रिटेल सेल्स जो है दैट इज ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर्स जबकि 2016 में इट इज़ 22 ट्रिलियन डॉलर्स 2017 में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ये 23 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर चली जाएगी और बाय 2020 इट विल रीच टू 27 ट्रिलियन डॉलर्स तो आप ये देख सकते हैं कि एवरी ईयर देर इज ए ह्यूज ग्रोथ जिस तरीके से 2016 और 17 में

टोटल रिटेल सेल्स के हवाले से परस्पेक्टिव अब हम डिस्कस करते हैं रिटेल के ऊपर जो हमारे पास ई कॉमर्स बिजनेस है उसके ऊपर क्या नंबर्स हैं अगर आप इवेल्यूएट करें तो 2015 में इट वाज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स ओनली जबकि अगर हम इसको टोटल रिटेल सेल्स का परसेंटेज ऑफ बिजनेस देखें तो इट वाज ओनली 7.4 परसेंट जिस तरीके से यू कैन सी हेयर यहां पर ये मैंशनड है इसी तरीके से 2016 में जो हमारे पास ई e कॉमर्स का सेल्स वॉल्यूम था वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लैंड किया जबकि इसका कंट्रीब्यूशन इन टू टोटल रिटेल सेल्स वाज 8.7 परसेंट अगर आप ग्रोथ की बात करें तो यू कैन सी दैट कि 23 परसेंट ट्वेंटी परसेंट जो थी वो ग्रोथ थी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इस बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर 2017 में इट इज एक्सपेक्टेड दैट के जो टोटल ई कॉमर्स बिजनेस है वो 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लैंड करेगा दिस बिजनेस विद द शेयर ऑफ इंट टोटल रीसेल एस टेन परसेंट जो कि बहुत फिनोमिनल है इफ यू सी इन टू ईयर्स टाइम मूविंग फ्रॉम सेवन परसेंट टू टेन परसेंट क्योंकि आपके नॉलेज में है कि एट द सेम टाइम रिटेल का टोटल बिजनेस भी ग्रो कर रहा है तो इसी तरीके से द शेयर साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑफ ई कॉमर्स सेल्स और अगर आप ग्रोथ के हवाले से बात करें तो इट इज अगेन 23 परसेंट अप्रॉक्सीमेटली 22.9 टू परसेंट टू बी एग्जैक्ट एंड हाउ दे आर एस्टिमेटिंग इट बाय 2020 ट्वेंटी द मार्केट साइज ऑफ ई कॉमर्स वुड बी फोर ट्रिलियन डॉलर्स जो के तकरीबन टोटल बिजनेस के अंदर टोटल रिटेल बिजनेस के अंदर इट वुड बी फोर्टीन पॉइंट सिक्स परसेंट और अगर हम ग्रोथ के हवाले से बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रोथ स्टिल वुड बी एटीन पॉइंट सेवन परसेंट जो कि ऑलमोस्ट अगर आप फाइव ईयरस का ट्रेंड देखते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ के साथ ऑपरेट कर रहा है और शेयर जो के 2015 में 7% था 7.5 परसेंट था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है बाय 2020 इट इज एक्सपेक्टेड 1.5 ट्रिलियन इट विल गो टू 4 ट्रिलियन डॉलर्स तो जो ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव है हमारे सामने ये बिल्कुल शो करता है कि किस तरीके से ई e कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से एमर्ज हो रहा है और आने वाले टाइम के अंदर एज ए रिटेलर किस तरीके से उसकी जरूरत को क्रिएट कर रहा है इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर एक रिटेलर लट से अभी तक नहीं है इस बिज़नेस के अंदर तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो आज के दिन में मिस कर रहा है तो रिटेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस इस पार्ट बने इसका पार्ट बने और बहुत तेज़ी से इसको अपने मल्टाए चैनल स्ट्रेटजी के तौर पर अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को रेवेन्यू को प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें